अपने रॉकेट और मिसाइलों से हिजबुल्ला उत्तरी इसराइल को दहला तो रहा ही था लेकिन इन हमलों के बीच रह रहकर हिजबुल्ला के जासूसी ड्रोन और आत्मघाती ड्रोन इसराइली सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं उत्तरी फ्रंट पर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हिजबुल्ला के ड्रोन इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए जा घुसे हैं और इन ड्रोन हमलों से इसराइल को भारी नुकसान हुआ है लेकिन अब ऐसा लगता है कि हिजबुल्ला इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गया है जो आने वाले वक्त में इसराइल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है जी हाँ हिजबुल्ला ने 11 जुलाई 2024 को किबुड काबरी इलाके में कामी के ड्रोन से एक हमला किया था और जब इस ड्रोन के मलबे की जांच की गई, तो पता चला कि ये अबाबिल टी मॉडल का मलबा नहीं था जिसे हिजबुल्ला लगातार इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था बल्कि यह से मिलता जुलता था क्योंकि इस ड्रोन का आकार और उसके पंखों का स्ट्रक्चर शहीद 101 ड्रोन से मिलता जुलता था जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर लगी हुई है आपको बता दें कि यह जानकारी एल्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दी है आपको ये भी बता दें कि एलमर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जिस ड्रोन का खुलासा किया है वो ड्रोन ईरान ने बनाया है जिसे हिजबुल्लाती इराक और सीरिया के प्रतिरोधियों को सप्लाई किया जाता है यहां तक कि इराक में इसे मुराद पांच के नाम से जाना जाता है जबकि यमन में इसे खातफ दो के नाम से बुलाते हैं शहीद 101 ड्रोन में बेसिक पिस्टन इंजन होता है हालांकि हालिया रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ कि इस ड्रोन में इलेक्ट्रॉनिक वर्जन वाला इंजन भी है लेकिन इसराइल के लिए सबसे बड़ी खबर की बात यह है कि अगर हिजबुल्ला उत्तरी इसराइल पर हमला करने के लिए इस ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है तो ये ड्रोन सिर्फ उत्तर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसकी रेंज 900 किलोमीटर तक है जो सीधे तेल अवेव तक पहुंच सकता है वहीं इसराइल के कैन 11 न्यूज का कहना है कि शहीद 101 ड्रोन ने पिछले गुरुवार को जो हमला किया था उसमें एक मेजर वेलरी कैपेनो मारे गए थे जो एलोन ब्रिगेड में नौ हजार बटालियन का हिस्सा थे और अगर हिजबुल्ला इस इलेक्ट्रॉनिक ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है तो इसराइल के लिए इसे इंटरसेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा शहीद 101 को किसी एयरक्राफ्ट या एयर डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट कर पाना भी इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगी है जो दूसरे इंजन की अपेक्षा काफी शांत होती है इसी कारण ये ड्रोन बड़े खुफिया तरीके से दुश्मन के इलाकों में घुस काफी तबाही मचा सकता है आपको बता दें कि इस ड्रोन को बनाने वाली कंपनी का नाम शहीद एविएशन इंडस्ट्रीज है जिसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका नीदरलैंड जर्मनी कनाडा जापान और पोलैंड जैसे देशों से कमर्शियल इस्तेमाल के लिए इसके उपकरण मंगाए जा रहे हैं जिससे इन ड्रोन के प्रोडक्शन को रेगुलेट करना बेहद ही मुश्किल है और ये उपकरण तीसरे देशों के जरिए ईरान तक पहुंच रहे हैं पहले तुर्की कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, वियतनाम और कोस्टारिका जैसे देशों की कंपनियां इन उपकरणों को खरीदती हैं और फिर इन्हें ईरान की कंपनियां आसानी से खरीद लेती हैं और यहीं से प्रतिबंधों के बावजूद इन ड्रोन का ईरान में धड़ल्ले ऐसी प्रोडक्शन हो रहा है आपको बता दें कि ईरान में ड्रोन प्रोडक्शन में सबसे बड़ा उछाल उस वक्त आया था जब 5 दिसंबर 2011 को ईरानी सरकार ने अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन आर क्यू सेंटिनल ड्रोन को पकड़ लिया था और इसके बाद शहीद एविएशन कंपनी ने अमेरिका के इस एडवांस ड्रोन की रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसके नए वेरिएंट को तैयार कर दिया था और इस ड्रोन की रिवर्स इंजीनियरिंग से ही ईरान ने दो सबसे अहम ड्रोन को बनाया है इनमें से पहला ड्रोन शहीद एक सौ और शहीद एक ड्रोन था जिसे शहीद शागे के नाम से जाना जाता है हालांकि ये बात पूरी दुनिया को पता है कि ईरान पश्चिमी देशों के हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग करने में माहिर है और रिवर्स इंजीनियरिंग के द्वारा ही वो नए नए घातक हथियारों को दुनिया के सामने प्रदर्शित कर रहा है